Okay, next question. Question number 8. Yadi z is equal to x square plus y square divided by x plus y, तो सिद्ध करो del z over del x minus del z over del y का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस del z over del x minus del z over del y. ओके, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बच्चों. क्वेश्चन ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई. तो सिद्ध करो कि डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई. ओके, देखता हूं, हल कर रहा हूं बेटा. दिया है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई. तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे पास हुआ डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई. ओके, अर्थात डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास अंश, ये हुआ मेरे पास हर, हर गुना एक्स प्लस वाई इंटू डेल ओवर डेल एक्स अंश का अवकलन गुणांक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंश गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर. अर्थात डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एज इट इज, मेरे पास निकला एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहा हूं, वाई वाला स्टेप जीरो हो जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, अगले वाला स्टेप जीरो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर. ओके, आगे देखता हूं जरा. यहां से मेरे पास निकला डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, अंदर गुना किया मैंने, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर. क्या निकालना हो इधर, मेरे पास निकला डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और ये कितना हुआ प्लस टू एक्स वाई टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर. ओके, आगे चलता हूं बेटा. मेरे पास जो रिजल्ट निकला डेल जेड ओवर डेल एक्स, यहां लिख रहा हूं डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट स्टेप देखता हूं क्या है. मेरे को चाहिए है डेल जेड ओवर डेल वाई. मैंने कैलकुलेट किया डेल जेड z इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई से पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट
y, मैं निकालना हूँ del z over del y, del z over del y is equal to del over del y x square plus y square divided by x plus k y. del z over del y is equal to, ये हुआ मेरे पास अंश, ये हुआ मेरे पास हर, ओके, हर गुना अंश का उद्गलन गुणांक x plus y del over del y x square plus k y square minus अंश as it is x square plus y square as it is del over del y मेरे पास निकला x plus k y divided by x plus y का complete square, okay, del z over del y is equal to ये निकला x plus k y, y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 0 हो जाएगा into 2y minus x square plus y square into x का 0 y का निकला 1 divided by x plus y का complete square, अर्थात del z over del y is equal to अंदर मल्टीप्लाई किया 2xy plus 2y square minus x square minus y square divided by x plus y का complete square, इधर कैलकुलेट कर रहा हूं del z, चेक कर लो एक बार, अगर डाउट है तो मेरे से पूछ लेना बेटा, del z over del y है ये, ओके, यहां से मेरे पास निकला del z over del y is equal to 2y square minus y square, अर्थात y square minus x square plus 2xy divided by x plus y का complete square, ओके, मेरे को जो रिजल्ट चाहिए है, अब देखता हूँ क्या रिजल्ट चाहिए है मेरे को, जो रिजल्ट चाहिए है वो ये रिजल्ट चाहिए है कि del z over del x minus del z over del y का square, अर्थात del z over del x minus del z over del y का square is equal to del z over del x की value डाली x square minus y square plus 2xy divided by x plus y का complete square minus y square minus x square plus 2xy divided by x plus y का complete square, ओके, और इसका square complete square is equal to, यहां से मेरे पास निकला हर तो समान है, अर्थात x plus y का complete square, यहां निकला x square minus k y square plus 2xy minus y square minus minus plus x square और plus minus minus 2xy का complete square, ओके, एक x square दूसरा x square 2xy 2xy cancel, एक x square अर्थात 2x square minus 2y square divided by x plus y का complete square का square is equal to 2, मैंने common ले लिया, जैसे ही मैंने 2 common लिया यहां बचा x square minus y square divided by x plus y का complete square का square, इधर कर रहा हूं बेटा यहां पे 2 2 दूनी 4 ये 2 square से बाहर अर्थात 4 into अंदर बचा मेरे पास, formula लगा दिया मैंने x plus y x minus y का divided by x plus y का square का complete square, अर्थात 4 into ये इससे cancel, 4 into ये मेरे पास निकला x minus y divided by x plus y का complete square, ओके, अर्थात 4 into x minus y का square divided by x plus y का square, ओके, अलग-अलग के ऊपर square,
अर्थात मेरे पास निकला डेल z ओवर डेल x माइनस डेल z ओवर डेल y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू x माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y स्क्वायर। ओके अब इधर वाला रिजल्ट देख रहा हूं बेटा क्या आ रहा है। मेरे को जो चाहिए है 1 माइनस डेल z ओवर डेल x चाहिए है माइनस डेल z ओवर डेल y चाहिए है। ओके यहां से मेरे पास जो रिजल्ट आया रिजल्ट आने के बाद मेरे पास जो निकला बेटा 1 माइनस इनटू 4 4 इनटू 1 माइनस डेल z ओवर डेल x यानी x स्क्वायर प्लस माइनस के y स्क्वायर प्लस के 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y का कंप्लीट स्क्वायर माइनस डेल z ओवर डेल y y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y का कंप्लीट स्क्वायर। ओके 4 इनटू देख लो बेटा मैंने जो एलसीएम लिया x प्लस y का स्क्वायर एलसीएम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मेरे पास निकला x प्लस y का स्क्वायर माइनस यहां से हुआ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2xy। ओके दैट इज 4 इनटू यहां मेरे पास निकला मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया बेटा स्क्वायर खोलने के बाद x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर और प्लस माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y का कंप्लीट स्क्वायर। ओके देखता हूं बेटा क्या हो रहा है x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल 2xy से 2xy कैंसिल। ओके मेरे पास जो रिजल्ट बचा वो ये बचा बेटा फोर इनटू यहाँ हुआ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर अर्थात फोर इनटू ये हुआ मेरे पास एक्स माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x माइनस y का कंप्लीट स्क्वायर ऊपर वाला बना कंप्लीट स्क्वायर नीचे वाला बना x प्लस y का कंप्लीट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy अर्थात x माइनस y का कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y का कंप्लीट स्क्वायर अर्थात 4 into x माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x plus y का complete square और ये जो value चल रही थी ये चल रही थी मेरे पास 4 into 1 minus del z over del x minus del z over del y की। okay ये जो value आई यहाँ भी यही value आई अर्थात ये वाला इसके बराबर हुआ। ध्यान से देखना बेटा ये वाली जो value है ये किसके बराबर है मैं सीधा लिख सकता हूँ बेटा यहाँ से मेरे पास निकला del z upon del x minus del z over del y का complete square is equal to 4 into x minus y square divided by x plus y square is equal to 4 into 1 minus del z over del x minus
डेल जेड ओवर डेल वाई, ओके, अर्थात ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, मतलब निकला डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू 1 माइनस डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई, और यही मेरे को सिद्ध करना था, ओके। कोई अगर डाउट है, कोई अगर प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यदि u बराबर 1 माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2, तो सिद्ध करो मेरे को जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना बेटा, डेल ओवर डेल एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई, ये हुआ मेरे पास y स्क्वायर इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को बेटा, u बराबर मेरे को दे रखा है 1 माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2, तो सिद्ध करो डेल ओवर डेल x अंदर है 1 माइनस x स्क्वायर डेल u ओवर डेल x प्लस डेल ओवर डेल y स्क्वायर इनटू डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 0, ओके। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं डेल u ओवर डेल x, u बराबर 1 माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल ओवर डेल x 1 माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2, अर्थात डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू, सारे को x मान लिया, nx की पावर n माइनस 1 अर्थात माइनस के 1 अपॉन 2 1 माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इनटू जिसको x मान रखा है उसका फिर से डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ओके। मेरे पास निकला डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू